देखो गाइस, आफ्टर अपडेट सोनिया कैरेक्टर को सारे के सारे बंदे भूल चुके हैं, कोई भी बंदा लेके खेल नहीं रहा। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप लोग सोनिया कैरेक्टर को लेके खेलना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि गाइस मैं आज आप लोगों को सोनिया कैरेक्टर का दो ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि देखने के बाद आप लोग सोनिया को लेके खेलना फिर से स्टार्ट कर दोगे। एंड उसके साथ साथ अपडेट के बाद खतरनाक होके आने वाला सैंटिनो कैरेक्टर का भी दो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा ओपी होगा। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और मेरे प्यारे भाई लोग, अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा मेरे चैनल का, तो प्लीज एक बार अनसब्सक्राइब करके चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर दो। ये छोटा सा हेल्प मेरे को कर दो प्लीज। ओके, तो पहले बात करते हैं सोनिया कैरेक्टर के दो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है ना गाइस, वो है गाइस स्पेशली सोलो रैंक पुशर के लिए और जो लोग बिहार में रैंक पुश करते ना उनके लिए। इस कॉम्बिनेशन में गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को सोनिया कैरेक्टर ले लेना है। और सोनिया कैरेक्टर का एबिलिटी अभी के टाइम क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि एबिलिटी को अगर अच्छे से आप लोग नहीं जानोगे तो कैसे यूज करोगे। तो ध्यान से देखो, सोनिया कैरेक्टर का एबिलिटी ऐसा है कि अपडेट के बाद ये आप लोगों को सिर्फ 2 सेकंड के लिए बचा पाएगा, ठीक है। और पहले क्या होता था, जब भी आप लोगों का सोनिया एक्टिवेट होता है तब आप लोग अगर कोई बंदे को मारते थे तो वो बंदा मर जाता था और आप बच जाते थे। लेकिन अपडेट के बाद ऐसा सीन कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर किसी बंदे को मारते हो सोनिया बन के, वो बंदा तो मर जाएगा लेकिन उसके साथ साथ आप भी मर जाओगे। सो सोनिया को बहुत ज्यादा खराब कर चुका है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सोनिया को अच्छा कर दूंगा, टेंशन मत लो। ओके, तो कॉम्बिनेशन में तो आप लोगों ने सोनिया कैरेक्टर को ले लिया, तो अभी आप लोगों को नेक्स्ट जो कैरेक्टर लेना है वो एक तरह से सोनिया का लाइफलाइन है। मतलब इस कैरेक्टर के बिना सोनिया कैरेक्टर अभी के टाइम कोई काम का, और वो लाइफलाइन कैरेक्टर है गाइस दिमित्री कैरेक्टर, जिसका एबिलिटी आप सभी लोगों को पता है, फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दिमित्री कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करने से कोई भी बंदा सोलो में भी नॉक हो जाता है। अरे मतलब दिमित्री का एबिलिटी ऐसा है कि डायरेक्टली नहीं मरोगे, नॉक होके मरोगे। और दिमित्री का और एक एबिलिटी है गाइस, ये आप लोगों को ना HP भी प्रोवाइड करेगा ऑलोक के जैसे। और अभी इस दोनों करेक्टर को अच्छी तरह यूज करने के लिए आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट करेक्टर लेना है जो कि ये दोनों को प्रोटेक्ट करके रखे, और वो करेक्टर है गाइस न्यारी करेक्टर। मतलब ये न्यारी करेक्टर होने से ये सोनिया और दिमित्री ठीक से दोनों अपना अपना काम अच्छे से एकदम परफेक्टली कर पाएंगे। अबे साले, अरे भाई इसका मतलब ये है कि सोनिया को जब भी कोई बंदा मार देगा, मतलब सोनिया एक्टिवेट कर देगा, उस टाइम दिमित्री को ऑन करके आराम से न्यारी करेक्टर की मदद से ग्लोअल का पैक बना के उसके अंदर दोनों मिलके अच्छे से आपको रिवाइव कर पाएंगे, क्योंकि निहारी कैरेक्टर का ग्लोअल कोई बंदा फोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि निहारी कैरेक्टर का गाइस यही एबिलिटी है, कोई अगर उसके ग्लोअल के मारेगा तो उसका अगर HP घटेगा तो HP रिकवर होता जाएगा। ओके, तो गाइस लास्ट में इस कॉम्बिनेशन में क्या लोगे आप लोग, अगर आप लोग सोलो रैंक पुश कर रहे हो, मतलब अगर आप लोग PR में रैंक पुश कर रहे हो, तो गाइस बिना कुछ सोच के डायरेक्टली मिशा कैरेक्टर ले लो, क्योंकि ये कैरेक्टर आप लोगों को जोन रोटेशन से लेके एयर ड्रॉप लूटने तक मदद करेगा। और अगर आप लोग CS में रैंक पुश कर रहे हो, तो गाइस इस कॉम्बिनेशन में मिशा को हटा के आप लोग इधर घुसा देना है तो कैरेक्टर या तो लूना कैरेक्टर को। गाइस इस कॉम्बिनेशन को यूज करके आप लोग सोनिया को और भी ज्यादा पावरफुल कर सकते हो। सो गाइस थोड़ा सा भी लेट मत करो, अभी के अभी जाओ और गाइस इस कॉम्बिनेशन को यूज करके एक मैच को बुआ करके आओ। लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ मेरे भाई, क्योंकि सोनिया कैरेक्टर का और एक कॉम्बिनेशन है, इसको भी देख कर जाओ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओके, तो बात करते हैं सोनिया कैरेक्टर के दो नंबर कॉम्बिनेशन की। तो इस कॉम्बिनेशन में गाइस सोनिया कैरेक्टर लेना है सबसे पहले, उसके बाद दिमित्री कैरेक्टर ले लेना है, और उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। अरे यार बताऊंगा, मजाक कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये दो करेक्टर के बाद आप लोगों को जो करेक्टर लेना है वो लेना है गाइस लियोन और फोर्ट करेक्टर। देखो गाइस ये दो करेक्टर ना आप लोगों को कोई भी खतरनाक सिचुएशन में मेडिकेट मारने की टेंशन से बचाएगा। मतलब फोर्ट करेक्टर आप लोगों को 30 HP दे देगा और लियोन करेक्टर आप लोगों को 60 HP दे देगा। एंड उसके साथ साथ दिमित्री करेक्टर भी आप लोगों को HP देता जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का जो हेल्थ है ना वो एकदम से फुल हो जाएगा, और गाइस कोई भी सिचुएशन में आप लोग बंदे के साथ बिना कोई टाइम वेस्ट करके डायरेक्टली जाके रश करके फाइट कर सकते हो। जैसे कि आप लोग इस क्लिप पर देख सकते, सामने एक बंदा था, ठीक है, वो बंदे ने मेरे को स्पॉट करके हेडशॉट मार दिया ना, फटाक से ग्लोअल मारा और दिमित्री को ऑन किया, और सोनिया कैरेक्टर की मदद से ओपी तरीके से फिर से रिवाइव हो गया, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखो आप लोग कैसे हेल्थ मेरा बढ़ रहा है, ओपी तरीके से मेरा हेल्थ बढ़ रहा है, और गाइस वो बंदा मेरे ऊपर फटाक से रश करने आया, मैं कवर में रह के खतरनाक हेडशॉट मार के इस बंदे को मार दिया। तो ऐसे करके कोई भी सिचुएशन में आप लोग इस कॉम्बिनेशन की मदद से अपने आप को बचा सकते हो एंड बंदे को भी इजीली मार सकते हो। ओके, तो अभी बात करते हैं सैंटिनो कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्रोनो कैरेक्टर का एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बता देता हूं, जिसके मदद से आप लोग CS में खतरनाक तरीके से रैंक पुश कर पाओ। ओके, तो गाइस इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आप लोगों को ले लेना है रोलैंडो को। हाय गाइस,
Yes, guys, इन्हें को तो गाइस सबसे पहले तो रोनाल्डो को ले लेना है, मतलब क्रोनो कैरेक्टर को ले लेना है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्रोनो कैरेक्टर का जो एबिलिटी है ना वो अपडेट के बाद बहुत ज्यादा खतरनाक कर दिया है, क्योंकि गाइस इसका जो कूलडाउन टाइम था ना वो कम कर दिया गया है, जिसके कारण आप लोग क्रोनो को एक राउंड में दो बार यूज कर सकते हो, जो कि एकदम ओपी बात है। और गाइस इसका जो कूलडाउन टाइम है ना वो 75 सेकंड कर दिया गया है। ओके, तो अभी बात करते हैं इस क्रोनो कैरेक्टर के साथ क्या आप लोगों को कॉम्बिनेशन रखना है। ठीक है, तो आप लोगों को तो क्रोनो ले लेना है सबसे पहले, उसके बाद गाइस क्रोनो के साथ आप लोगों को लेना है मैक्सिम कैरेक्टर को, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्रोनो कैरेक्टर के साथ जब भी आप लोग गेम प्ले करोगे तो बंदा आप लोगों को जब भी डैमेज देगा तो उस टाइम आप लोग क्रोनो का शील्ड लगा के अपना हेल्थ पूरा कर सकते हो मेडिकेट मार के। तो उस टाइम ना ये मैक्सिम कैरेक्टर की मदद से आप लोगों का जो मेडिकेट मारने का स्पीड है ना वो ज्यादा हो जाएगा, जिससे ना आप लोग बहुत ही कम टाइम में अपना हेल्थ पूरा कर सकते हो मेडिकेट मार। उसके बाद और एक चीज आप लोग देखोगे, क्लैश स्क्वाड में मतलब सीएस में ना ज्यादातर बंदे ग्रेनेड यूज करते हैं, मतलब ग्रेनेड का कैरेक्टर लेके आ जाते हैं। तो उस टाइम ना अगर आप लोगों के पास क्रोनो कैरेक्टर होगा तो गाइस बंदा जितना भी ग्रेनेड आपके ऊपर मारे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप लोगों के पास क्रोनो का शील्ड होगा। सिर्फ आपको नहीं, इसके अंदर आपका टीममेट को भी आप लोग रख के उनको बचा सकते हो, ये बहुत ज्यादा काम का है। जैसे कि आप लोग क्लिप पर देख सकते हो, बंदा एकदम हुक करके मेरे ऊपर ग्रेनेड मारा, मैंने फटाक से शील्ड ओपन किया क्रोनो का और मेरे ऊपर कोई भी डैमेज नहीं लगा कोई भी ग्रेनेड का। ऐसे करके आप खुद को बचा सकते हो एंड आपके टीममेट को भी बचा सकते हो, ये बहुत ज्यादा काम का चीज है। आप लोग इसको सीएस में बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज करके बंदे लोगों को चकमा दे सकते हो। उसके बाद इस कॉम्बिनेशन में गाइस आप लोगों को और दो कैरेक्टर लेना है जो कि बेसिक स्लॉट में होगा, और वो ले सकते हो गाइस लूना कैरेक्टर और हायातो कैरेक्टर। ये दोनों कैरेक्टर होने से ये फायदा होगा, जब भी बंदा आप लोगों को डैमेज देगा उस टाइम आप लोग अगर शील्ड ओपन कर लोगे तो बंदा आप लोगों को क्या करेगा, डायरेक्टली रश करके मारने के लिए आएगा। तो उस टाइम जब भी आप लोगों के सामने बंदा रश करने आएगा तो आप लोग निकल के एकदम खतरनाक तरीके से बंदे को स्प्रे कर पाओगे और गाइस बंदा मर जाएगा। उसमें आप लोगों को हेल्प करेगा लूना कैरेक्टर और हायातो कैरेक्टर। लूना कैरेक्टर क्या करेगा, आप लोगों का जो रेट ऑफ फायर है ना गन का वो बढ़ा देगा, और हायातो कैरेक्टर क्या करेगा, आप लोगों का जो डैमेज है ना उस बंदे को ऊपर ज्यादा देगा। तो इस तरह दोनों कैरेक्टर की मदद से आप लोग इजीली उस बंदे को मार पाओगे, जैसे कि आप लोग क्लिप पर देखे हो। सो इस तरह क्रोनो कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन की मदद से आप लोग सीएस में इजीली हर एक मैच को जीत पाओगे, क्योंकि अपडेट के बाद क्रोनो कैरेक्टर खतरनाक कैरेक्टर है। आप लोग यूज करके देखो तभी आप लोगों को पता चलेगा। ओके, तो अभी बात करें सेंटोनियो कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सेंटोनियो कैरेक्टर का पहला जो कॉम्बिनेशन है उसमें सबसे पहले तो आप लोगों को सेंटोनियो कैरेक्टर ले लेना है, जो कि फ्री फायर वालों ने इसको अपडेट के बाद बहुत ही पावरफुल करके भेजा है। और इसके साथ जो आप लोगों को पैसिव स्लॉट में कैरेक्टर्स लेने हैं वो ध्यान से देखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सेंटोनियो कैरेक्टर को अच्छे से यूज करने के लिए आप लोगों को सेंटोनियो कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन में सबसे पहले लेना है लूना कैरेक्टर। और लूना कैरेक्टर का एबिलिटी आप लोगों को पता है, फिर भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ, लूना कैरेक्टर की मदद से आप लोगों का जो रेट ऑफ फायर है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी मदद से आप लोगों का हर एक गोली बंदे के हेड पे जाके लगेगा। और ये कॉम्बिनेशन स्पेशली रशर के लिए होगा, तो ध्यान से देखना। और उसके बाद आप लोगों को सेकंड पैसिव स्लॉट में लेना है डीवी कैरेक्टर। डीवी कैरेक्टर का काम क्या है ध्यान से सुनना, क्योंकि डीवी कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस कॉम्बिनेशन के लिए। देखो जब भी आप लोग लूना कैरेक्टर की मदद से किसी बंदे को मारोगे तो रेट ऑफ फायर के वजह से आप लोगों का जो एक्यूरेसी है ना वो थोड़ा सा रिकवेल कर सकता है। तो उस टाइम आप लोगों का एक्यूरेसी एकदम सही रखने के लिए डीवी कैरेक्टर को यूज करना होगा, क्योंकि डीवी कैरेक्टर का यही एबिलिटी है कि आप लोगों का जो एक्यूरेसी है ना उसको एकदम परफेक्टली करके रखता है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ही आसानी से हेडशॉट मार सकते हो। तो लूना कैरेक्टर का रेट ऑफ फायर और डीवी कैरेक्टर का एक्यूरेसी दोनों मिला के आप लोगों का हेडशॉट बहुत ही ज्यादा लगेगा। और इस कॉम्बिनेशन में लास्ट में आप लोगों को लेना है लियोन कैरेक्टर। देखो लियोन कैरेक्टर क्यों आप लोगों को बोलता हूँ, जब भी आप लोग टेलीपोर्ट हो गए इधर से उधर जाओगे उधर से इधर आओगे तो आप लोगों का जो हेल्थ है ना वो थोड़ा बहुत तो कम होगा। उस टाइम आप लोगों को मेडिकेट मारने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रहे हो, क्योंकि बंदे को चकमा दे रहे हो ना। उस टाइम आप लोगों को ये लियोन कैरेक्टर मदद करेगा, जब भी आप लोगों का एचपी थोड़ा सा कम होगा लियोन कैरेक्टर की मदद से आप लोगों का एचपी आराम से फुल हो जाएगा, तो आप लोगों को मेडिकेट मारने की टेंशन नहीं होगा। ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोगों का जो गेम प्ले है ना वो खतरनाक हो जाएगा, और गाइस कोई भी सिचुएशन में आप लोग इजीली कोई भी बंदे को मार पाओगे, चकमा दे पाओगे, बहुत कुछ कर पाओगे इस सेंटेनो कॉम्बिनेशन के साथ। सो गाइस आज का वीडियो यही तक है, क्योंकि गाइस बहुत लेट हो चुका है वीडियो बनाते बनाते। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो कल पार्ट लाऊंगा कॉम्बिनेशन का उसमें सेंटेनो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन बता दूंगा। सो गाइस आज का वीडियो यही तक है, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना, वीडियो अगर अच्छा लगे एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल। और भाई लोग अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करने का जो बात मैंने पहले बोला था वो भूलना मत, वो जरूर से प्लीज कर देना, क्योंकि वो करोगे तो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा।